What's up guys, Kyle Chal. So, welcome back to the new vlog. And जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं फिलहाल नींद से उठा हूँ. मतलब आप लोग नहीं जानते हो, बट मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं अभी नींद से उठा हूँ. अब यकीन नहीं करोगे, 4 बज रहे हैं यहाँ दुबई में. इंडिया में देखा जाए तो 5:30 बज रहे होंगे अभी इस फिलहाल इस हालात में. बट खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है. अभी हम उठे हैं और अभी फटाफट हम फ्रेश होते हैं. आज हमें जाना है दुबई फ्रेम. जल्दी निकलना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुबई फ्रेम था, बुर्ज खलीफा था, लाइन से सारी चीज़ें, फिर लंच वगैरह साथ में करना था एंड देन फिर हम शाम में कहीं और निकलते. बट अब जब मैं खुद नींद से लेट उठा हूँ तो कुछ नहीं कर सकते. एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम फटाफट फ्रेश होते हैं, सीधा रेडियो के निकलते हैं दुबई फ्रेम. देन हम लोग निकलेंगे ग्लोबल विलेज. मैंने सुना है ग्लोबल विलेज बहुत अच्छा होता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. मैं पर्सनली मैंने कभी गया नहीं हूँ और ऐसा मुझे लाइक इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि ग्लोबल विलेज में है क्या. बट देन मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं देखता नहीं, मैं खुद पहले वहाँ जाऊँगा एंड देन उसके बाद एक्सपीरियंस करूँगा खुद से कि भाई वहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं. या सो देखते हैं आज की शाम कैसी रहती है. फटाफट गाइस चलो फटाफट रेडी होते हैं एंड मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी, बिकॉज बहुत जल्दी रेडी होना है एंड बहुत जल्दी निकलना है वरना हम लेट हो जाएंगे. सो लेट्स गो बॉयज, मिलते हैं बहुत जल्दी फ्रेश होके. एनीवेज गाइस हम फ्रेश हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 5:30 इन दुबई. 4 बजे हम लोग फ्रेश होने गए थे एंड हो गया, अभी निकलते फटाफट. पहले दुबई फ्रेम चलते हैं. मैंने दुबई फ्रेम बहुत ज़्यादा लाइक फोटोज़ में देखा है बट ऐसा कभी देखा नहीं रियलिटी में. बट हाँ, तो आज पहली बार दुबई फ्रेम जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे ग्लोबल विलेज के लिए. एनीवेज चलो फटाफट फटाफट लाइक बटन ठोक दो और लेट्स गेट गोइंग. हम लोग सूरज इस साइड से, इस साइड से सूरज है और इसको ऐसा देखना पड़ेगा तब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखता है. थैंक यू. ये देखो गाइस, ये मैं दिखाता हूँ आपको, इतना बड़ा है ना ये, इतना बड़ा है, मतलब लाइक ऐसा पूरा आपको सर की ऐसा ऊपर करना होता है एंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा. और भाई खूबसूरती देखो यार यहाँ की, मतलब ये देखो गाइस कितने खूबसूरत फूल है, कितने खूबसूरत. देखो यार ये देखो, मुझे पूरा कैमरा ऊपर करना पड़ रहा है दिखाने के लिए आपको पूरा. तो यहाँ पे लाइक पूरे इंडियंस, पाकिस्तानीज, रशियंस और पता नहीं अलग अलग जगह के लोग आते रहते हैं. और अच्छा यार, काफ़ी अच्छा है. मतलब मेरे को एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे किसी को किसी से लेन देन नहीं है. लोग आओ, मज़े करो, ऐश करो एंड घूमो फिरो, वही है, काफ़ी सही है यार. भाई इतना सही, मतलब आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बट अगर आप इसको रियल लाइफ में देखोगे ना आके तो इतना चमकदार है, इतना चमकदार. और ये तो कुछ नहीं है, अभी सनसेट हो रहा है, मान के चलो कि सन इस साइड से लाइक आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा इतना जो पट्टा रहेगा ना वो पूरा यहाँ से पूरा लाइक चमकते रहेगा टोटली. सो वी आर गोइंग अप राइट नाउ एंड यहाँ से आप देख सकते हो दुबई का कुछ हिस्सा. राइट, सो आई थिंक हम लोग टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं. So we're here now at the top of Dubai Frame. This is 150 meters high, equivalent to 48 floors. All right, yeah. On the left side, that's the old Dubai. And on the right hand side is the new Dubai. All right, feel free to take pictures and videos to our smart glass. Have a nice evening. Thank you. Guys, 154 meter. Imagine if you want to photoshoot kar raha hai. Ye usne kaha ki ye jo cheez hai, ये पूरा ओल्ड दुबई है, ये पूरा का पूरा ओल्ड दुबई है. और जो राइट साइड है वो होता है न्यू दुबई. सो बेसिकली ये पूरा न्यू दुबई, वो आप देख सकते हैं वहाँ के सामने बुर्ज खलीफा है. और जूम करता हूँ, आई डोंट नो कितना आप देख पाओगे, आई थिंक आप देख सकते हो यार.
सो ये बुर्ज खलीफा, ये पूरा न्यू दुबई है, ये पूरा आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ के जो किंग है, क्राउन किंग, उनकी वह उन्होंने तस्वीर बना रखी है ग्राउंड पर। यहाँ से आप बाहर निकलने के बाद ये जो है पूरा कुछ एरिया जाकर आप सामान खरीद सकते हो। ये देखो, ये है पूरा एग्जिट, और ये देखो, ये देख रहे हो पूरा, लाइक वो उस साइड पे हम लोग खड़े थे, उस साइड हम लोग खड़े होते नीचे देख रहे थे, एंड ये पूरा एरिया भाई बहुत ही प्यारा बनाया, बहुत ही प्यारा, मतलब बेस्ट चीज़ बनाई है इन लोगों ने, बेस्ट चीज़ कुछ भी बोलो। और गाइस, सो ये था दुबई फ्रेम, एंड हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से ग्लोबल विलेज के लिए। सो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार, पहले ये ग्रीन था, अभी ये पिंक हो गया थोड़ा सा, तो मे भी ये कलर चेंज करते रहता है, जैसे ग्रीन, पिंक, एंड देन फिर ब्लू, या फिर पता नहीं येलो, पता नहीं क्या कलर्स। सो या लास्ट आप देख लो, एंड मैं अभी निकल रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही था दुबई फ्रेम। डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। या सो हियर वी आर एट ग्लोबल विलेज। मैं हो सके तो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें होगी, एंड एंजॉय करते हैं, चलिए चलते हैं। It was a guys, welcome to the global village of Dubai. So guys, हम फाइनली आ चुके हैं अंदर, एंड इतनी मशक्कत के साथ आए ना, इतनी मशक्कत के साथ आए कि आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत ख़तरनाक चीज़ें लगाई हमने, जो मैं अभी नहीं बता सकता, मैं आपको बाद में बताऊँगा। सो बेसिकली वहाँ से एग्जिट है, आप देख सकते हो, ये देखिए वो एग्जिट लिखा हुआ है। आप वहाँ, आप यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो आपको ये दिखता है, ये देखिए, ये पता नहीं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब थोड़े से स्केरी है, बट देन आई डोंट नो व्हाई, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मेरा बस चले ना, मैं अपने घर पर लगा दूँगी सारी चीज़ें। काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ग्लोबल विलेज, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ईरान है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने, मेरे को लगता है उन्होंने ना एक अलग अलग एरिया का एक अलग अलग चीज़ बना दी है, जैसे ईरान, उसके बाद येमेन, देन टर्की, उसके बाद पाकिस्तान। ये देखो यार, ये आप देख पा रहे हो, डैम, ये मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने अभी नोटिस किया ये। अच्छा हाँ, इजिप्ट है, ये देखें, ये अफ़गानिस्तान, ये अजरबैजान, और लेबनान, फ़लस्तीन, जॉर्डन, और फिर ये ख़त्म, वो देखो वहाँ ख़त्म हो जाता है। ये देखो गाइस, अभी मैं दुनिया की आपको बेस्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ, दिख रहा है, आओ चलते हैं। अरे गाइस, तो हम लोग अभी इंडिया के अंदर जा रहे हैं, मतलब ये जो सेक्शन है, जैसे आपको हमने बताया चाइना, जापान, कोरिया, ये सब चीज़ें, अभी ये है इंडिया, और अभी हम लोग इंडिया के अंदर जाने वाले हैं। ये देखो इंडिया। तो अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं इंडिया से, वहाँ कुछ ज़्यादा सामान नहीं था वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मतलब लेडीज़ सामान बहुत था, साड़ियाँ, शॉल, ज्वेलरीज एंड जूतियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें थी। एंड उसके बाहर निकलने के बाद देखो, यहाँ मोरक्को है, फिर ये देखो गाइस ईरान, और ये देखो, ये लाइक काफ़ी सही है, यू नो।
राइट सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं बिकॉज काफी लेट हो गया है. अभी बच चुके हैं 12 एंड हमारा आई थिंक डे 4 है शायद ये एंड डे 3 तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज डे 3 हम लोग थोड़े बहुत मीटिंग्स वगैरह में बिजी थे तो बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है. डे 4 हमने बहुत अच्छे से निकाला और काफी मजा आया. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जहाँ हम लोग गए थे ग्लोबल विलेज वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था. मोबाइल से आप शूट कर सकते हो बट देन पता ही वहाँ बहुत ज्यादा आवाज होते रहती है तो मोबाइल से इतना से शूट होता नहीं है. दूसरी चीज, मैं कैमरा लेके गया ठीक है, ये लगा कर रखा मैंने माइक लगा के रखा. मुझे कम से कम मुझे 5 से 6 बार गार्ड्स ने रोका, मुझे बोला कि भाई बंद करो ये सब चीजें, ये सब अलाउ नहीं है. और उससे भी बड़ी चीज आज है मंडे ठीक है, तो क्या सीन था, मंडे को बैचलर्स को जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ फैमिली डे था. तो उन्होंने कहा कि या तो फैमिली के साथ आओ या तो अपने साथ लड़की लेके आओ. तो भाई हमने कहा लड़की कहाँ से लेके आए, तो कहते कि पता नहीं, तो हमें भगा दिया मतलब लाइक साइड कर दिया. फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया, बहुत लोगों से बातचीत की, फिर जाके थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगाया और उसके बाद तो तुम्हारे भाई को पता ही है जुगाड़ कैसा लगाते हैं. तो फिर अच्छे खासे दोस्त बन गए और फिर हम चले गए अंदर एंड उसके बाद फिर लाइक जो भी हुआ आप लोगों ने देखा अंदर, पूरा अच्छे से रिकॉर्ड किया हमने, अच्छे से प्रॉपर शूट किया एंड देन मैंने जो चीज़ें मैं घूमा हूँ अंदर वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाया हूँ. मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है कि यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे वैसा है एंड यू नो लाइक पाकिस्तान इंडिया उसके बाद ईरान टर्की लेबनन और पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें लाइक चाइना जापान बहुत सारी चीज़ें हमने देखी आज एंड काफ़ी मज़ा आया. वैसे यार गाइज अभी तो बहुत लेट हो गया है, अभी मैं भी जाता हूँ, थोड़ा मुझे वापस से फ्रेश होना है एंड थोड़ा मुझे बाहर जाना है कुछ काम के लिए. सो अभी हम निकलते बाहर और सोया गाइज आज का दिन यहाँ ख़त्म करते हैं एंड आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे एंड लाइक करो वीडियो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि आज का दिन कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कुछ कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे. सो वही है, बाकी तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ. आ जा क्या बात है, बाय बाय.